स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, जैसे जैसे एमपी बोर्ड का रिजल्ट पास आता जा रहा है, वैसे वैसे बच्चों का डर भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर यह मैटर नहीं करता है कि आपके पेपर बहुत ही अच्छे गए थे या फिर आपके एक दो पेपर बिगड़ गए थे, दोनों ही कंडीशन में थोड़ा बहुत डर तो आपको होगा ही, क्योंकि एमपी बोर्ड का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आने के चांसेस होते हैं। कुछ मिस्टेक हो जाती है आपके रिजल्ट में, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी कि रिजल्ट आते ही आपको ये चार चीज़ें चेक करनी है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं उनको यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन तो एक चीज़ तो उनको पता है कि हम पास तो हो ही जाएंगे, पर पर उन बच्चों का क्या होगा जिनके एक दो पेपर बिगड़ गए थे, एक दो पेपर ठीक नहीं गए थे या फिर एक दो पेपर में उनके पासिंग मार्क्स एक दो नंबर कम आ रहे हैं। तो उनको तो काफी ज्यादा टेंशन हो रही होगी कि हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो इस बार आपके पास होने के कितने चांसेस है वही मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में ये जो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट होता है कि ग्रेस देकर आपको पास कर दिया जाता है, तो किन सब्जेक्ट में ग्रेस आपको दी जाती है, कितने मार्क्स की दी जाती है, वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में बोनस मार्क्स के बारे में भी बताता हूँ। तो वीडियो में तक बने रहिए, नया तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी चेकिंग हुई है इस बार वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हुई है, यानी कि सॉफ्ट चेकिंग की गई है एमपी बोर्ड में। वैसे भी एमपी बोर्ड में सॉफ्ट चेकिंग ही होती है, क्योंकि एमपी बोर्ड को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट इंप्रूव करना है। एमपी बोर्ड यही चाहता है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर पास हो जाए, तो कोशिश तो पूरी की जाती है कि आपको पास कर दिया जाए। बट अगर आपको खुद को उम्मीद नहीं है कि आप पास हो पाओगे, आपने उतना ही पेपर किया था कि आपके पासिंग मार्क्स कम आ रहे हैं, अब पासिंग मार्क्स में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि इस बार कितने के आपके पासिंग मार्क्स हैं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि इस बार किन सब्जेक्ट में कितने क्या पासिंग मार्क्स रहेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, तो आपके जो पासिंग मार्क्स है वो भी चेंज हो गए हैं। 33 आपका पासिंग मार्क्स नहीं है, कम ही हो गए हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। पर बात वही आती है कि पासिंग मार्क्स अगर कम नंबर हमारे आ रहे हैं तो ऐसे में हमें पास किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है कि पासिंग मार्क्स अगर कम नंबर आपके आ रहे हैं तो पास तो आपको वैसे भी नहीं किया जाएगा, पर यहाँ पर दो तरह की कंडीशन होती है। पासिंग मार्क्स अगर आपके बहुत ही ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं, 5 से 10 नंबर का गैप अगर आ रहा है, तो ऐसे में काफी कम चांसेस होते हैं कि आपको पास किया जाए। ऐसे में आपका जो रिजल्ट आएगा वो फेल का ही आएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपको फेल ही किया जाएगा। बट यहाँ पर सेकंड कंडीशन होती है कि अगर आपके सिर्फ 5 नंबर का गैप आ रहा है, यानी कि आपको पास होने में सिर्फ 5 नंबर चाहिए, यानी कि 5 एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आपको दे दिए जाए वहाँ पर उस सब्जेक्ट में, तो आप पास बड़े आराम से हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है वो काम करता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का वेटेज होता है, यानी कि ग्रेस में आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स दिए जाते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं दिए जाते हैं। तो अगर पासिंग मार्क्स से 5 नंबर आपके कम आते हैं या फिर आपके 2 नंबर कम आ रहे हैं, 3 नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है। पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर अभी आप ये समझिए कि किन सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो जो आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, तो इन सब्जेक्ट में काफी कम चांसेस होते हैं कि आपको ग्रेस दिए जाए। अब आप चाहे 10th में हो या फिर आप 12th में हो, 10th में आपके 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं, 12th में आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा के बाकी आपके जो सब्जेक्ट बचते हैं उनमें ग्रेस मार्क्स देने के चांसेस होते हैं। एंड ग्रेस मार्क्स का भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि आपको दिए ही जाए, ये टीचर्स के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये एमपी बोर्ड के ऑर्डर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एमपी बोर्ड ने अगर कहा है कि मैक्सिमम बच्चों को पास करना है, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेस मार्क्स देकर आपको पास कर दिया जाता है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताई दिए, हिंदी और इंग्लिश में कम चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें दिए नहीं जाते हैं, दिए जा सकते हैं, पर हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को वैसे भी ग्रेस की जरूरत पड़ती नहीं है, वो वैसे ही पास जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में मैंने तो बहुत ही कम सुना है कि ग्रेस मार्क्स किसी बच्चे को दिए गए हों, पर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको दिए जा भी सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन होती है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स आपके आ रहे हैं, तभी आपको जो आखिरी सब्जेक्ट आपका बच रहा है जिसमें कि आपके पासिंग मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर उसमें आप फेल हो रहे हो, तो उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि पासिंग मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम आपको एक ही सब्जेक्ट में दी जाती है, वैसे तो 2 का क्राइटेरिया होता है, पर देखा यही जाता है कि एक ही सब्जेक्ट में आपको ग्रेस दी जाती है, यानी कि बाकी सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए तभी आपको ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट होता है। तो ग्रेस मार्क्स के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, किन कंडीशन पर दिए जाते हैं, किन सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रेस मार्क्स होते हैं इनका नुकसान क्या होता है। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स अगर आपको दिए जाते हैं तो ये आपके मार्कशीट में भी शो किया जाता है कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है। कैसे किया जाता है, तो अगर आपने एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखा होगा तो सबसे एंड में एक बॉक्स बना होता है रेमार्क्स का, उसके नीचे आप देखेंगे कुछ भी शो नहीं होता है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो उसी बॉक्स के नीचे शो की जाती है, अगर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो उसी बॉक्स के नीचे शो किए जाते हैं। उस बॉक्स का काम यही है कि किस सब्जेक्ट में कैसे क्या मार्किंग आपको दी गई है। जैसे कि ग्रेस मार्क्स अगर आपको दिए जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उसके आगे शो किया जाता है GRTH, यानी कि ग्रेस इन थ्योरी। एंड इसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है, आपकी जो मार्कशीट होती है जिसमें कि आपका रिजल्ट शो किया जाता है, तो वहां पर पास विद ग्रेस मेंशन किया जाता है, यानी कि आपकी मार्कशीट में शो किया जाता है कि आपको ग्रेस देकर पास किया गया है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं अगर आप अपनी मार्कशीट कहीं पर आगे
यूज करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स आपको क्यों दिए गए थे। वैसे तो देखिए चेकिंग इस हिसाब से हुई है कि अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी थ्योरी बनाई है अपने मन से भी, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिए जाएंगे। एमपी बोर्ड की एक खासियत है कि इनको मैक्सिमम बच्चों को पास करना होता है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट इंप्रूव तभी होगा। तो यहाँ पर चांसेस यही है कि ग्रेस ना देके अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। बट फिर भी अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स पाकर फेल होने से बच रहे हो तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।